ये जो मोहित प्रकरण है, इसमें आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि मानसिक प्रताड़ना का कोई मामला है, तो ये क्या है पूरा ये मामला? देखिए कोई भी मामला नहीं है, ये मामला टोटल जो है निराधार है। ये यहाँ पर हमारे यहाँ कॉलेज में ये इसकी बहन रूबी, यानी कि मोहित और मोहित की बहन रूबी, दोनों एक ही कक्षा के अंदर पढ़ते थे, और उस रोज कोई भी घटना यहाँ पर घटित नहीं हुई है। बल्कि क्या था कि ये बच्चा थोड़ा मानसिक रूप से शायद पहले से कोई पीड़ित रहता था, कोई इनका फैमिली मैटर रहा होगा। उस रोज की बात ये है कि उसकी बहन ही बैठी हुई थी, ये लड़का बैठा हुआ था, तीन बच्चे और बैठे थे। क्या हुआ कि उसमें एक मैडम आई, तो मैडम ने उससे कहा या तो पढ़ लीजिए या जाकर के नीचे बैठ जाइए। तो उन्होंने तीन बच्चों को वहां से, जो बैठे बैठे थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे, बैठे हुए पढ़ना नहीं चाहते थे, तो वो बाहर आके नीचे बैठ गए। नीचे आने के बाद जो है, तब उसके बाद जो है, वो कुछ समय बाद यहाँ से उठ के चला गया कि हमारा किसी प्रकार का कॉलेज का कोई मैटर इसके अंदर नहीं है, जबरदस्ती इसे इन्वॉल्व करना चाहते हैं। उसके और पिता द्वारा जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? उनके पिता के बारे में तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं संदिग्ध परिस्थिति है उनके अंदर, और वो अपने को बचाने के लिए जो है संस्था को के ऊपर उड़े उल्टे सीधे जो है आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे को मारपीट की है। मैं भी आपको एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। उसके पिताजी अपनी बहन लड़की से पूछ रहे हैं, हमारे कॉलेज में फोन किया कि मेरी बिटिया को बुलाओ। तो बिटिया जब आई तो बिटिया ने उनसे कहा कि पापा क्लास के अंदर कुछ नहीं हुआ था, बच्चा ये समझ नहीं पा रहा था, मैडम इंग्लिश बोल रही थी तो ये समझ नहीं पा रहा था, इसे जो है जिस तरह से गांव के बच्चे बोलते हैं ये इस तरह से बोल रहा था, तो इसे जो है थोड़ा मैडम ने और दो बच्चों को नीचे भेज दिया, बाकी क्लास के अंदर कुछ नहीं हुआ। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास सुरक्षित है। प्रार्थी के पिता रोहितास ने जो है एक तहरीर दी है थाने में, तो इसमें जो है कानूनी कार्रवाई क्या आपकी तरफ से भी कुछ हुई है, कोई पक्ष रखा गया नहीं, है? हमारी तरफ से जो हमने कप्तान साहब, जब हमें थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई थी इस बारे में कि कोई तहरीर इस तरीके से उन्होंने दी गई है, तो हमने कप्तान साहब के पास गए, कप्तान साहब से मिले, उन्होंने उनको हमने पूरी बातों से अवगत कराया कि साहब ऐसे ऐसे स्टूडेंट पढ़ता था, और यहाँ से हमें ज्ञात हुआ कि बच्चे का जो है डेथ हो गई है, वो छप्पर छिड़ी गाँव पड़ता है, उस गांव में जाकर के घर पर उसने कोई जहरीला पदार्थ खाया है, कैसे हुआ है। और जब यहाँ पता हुआ, हम भी लोग वहां पे, हमारा स्टाफ गया था वहां पे और साथ में, तो देखा था उन्होंने आनन फानन में उसका जो है दाह संस्कार कर दिया, और उस टाइम बड़े भयभीत थे वो लोग, गांव के लोग भी आपस में बात कर रहे थे कि ये तो बॉडी का क्या पोस्टमार्टम नहीं कराया नहीं आप नहीं लोगों ने? बोलिया कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया, यहाँ तक कि कोई FIR नहीं लिखाई गई, पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, और चुपचाप उसे ले जाकर के जो है ये घटना। बल्कि वो एक बार अपने फोन से कह रहा है मेरा बेटा जो है आत्महत्या न कर ले, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे पहले से ज्ञात था कि कोई आत्महत्या करने जा रहा है। क्या लगता है आपको पूरा मामला क्या हो सकता ये है ये? मामले के पीछे जो है पारिवारिक के कारण हम बताया जाता है, मैं इसमें ज्यादा अंदर घुसन नहीं चाहता, परंतु क्योंकि जांच का विषय है, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये मैटर कहीं ना कहीं बहुत ही जांच का बिंदु है। इसमें कोई फैमिली इशू उनके घर का निकल रहा है, कभी कोई बच्चे को ऐसा कह देने से ऐसा नहीं करता जो वो आरोप लगा रहे हैं। वो तो ऐसा लग रहा है जैसा कोई सोची समझी नीति के तहत ही उनके पिताजी ने इस कार्यक्रम को किया है, प्रकरण को। हो सकता था कि अगर ये था पुलिस में जाना चाहिए था, पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, या अगले दिन रिपोर्ट करानी चाहिए थी। इसके अंतर्गत हमारे कॉलेज कैंपस के अंदर सारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वहां से पता लग सकता है कि कौन क्या किया गया, क्या नहीं किया गया है। ये मैटर जो है बहुत ही सीरियस है, और मुझे बहुत दुख है कि बच्चे के जाने का, परंतु वो लोग किसी ना किसी तरीके से कॉलेज को बदनाम करके, मुझे प्रभावित करके, और गलत तरीके, जैसा कि वो लिख रहे हैं कि जाति सूचक शब्द कहे गए हैं क्लास के अंदर, और तो उसकी बच्ची खुद कह रही है कि किसी प्रकार कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहे गए, बल्कि जो है कुछ क्लास के अंदर कोई बात ही नहीं हुई है, उसे केवल बाहर भेजा गया, जिसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल सुरक्षित है। तो मैं कप्तान साहब से फिर पुनः अनुरोध करूंगा कि यही CBCID जो है या LIU की बहुत निष्पक्ष जाँच कराई जाए, ताकि जिससे इस घटनाक्रम का पर्दाफाश हो।